अयोध्या के राम मंदिर में आज प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जहां इसको लेकर सभी राम भक्तों में भारी उत्साह है, वहीं गली मोहल्ले में इस अवसर पर दीपावली मनाने की तैयारियां हैं। इस बीच रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दूधाधारी मठ पहुंचकर राम दरबार और भगवान बालाजी का दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग भी लगाया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि पहली बार दूधाधारी मठ पहुंचा हूँ, काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ के पहले संत बलभद्र महाराज दूध का आहार करते थे, इसलिए मंदिर को दूधाधारी मंदिर कहा जाता है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। अयोध्या में भगवान राम हो रहे हैं, आज पूरा देश और इंडिया राममय हो गया है। आज मुख्यमंत्री के नाते मेरा सौभाग्य है, यहाँ पर रायपुर स्थित दूधाधारी मठ में पहली बार आगमन हुआ है और ये मठ 500 साल पुराना है और इसके संस्थापक गांधी महाराज जो सिर्फ दूध का आहार करते थे, इसलिए इस मठ का नाम दूधाधारी मठ हुआ है।